सबसे पहले है हिंदी के शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब शब्दों का क्या अर्थ है। जैसे वधु, वधु का मतलब क्या होता है। बदबू का मतलब होता है दुर्गंध, यानी कोई ऐसी बदबू स्मेल आती है जो हमें पसंद नहीं होता, उसे हम कहते हैं बदबू, दुर्गंध। रोजाना, रोजाना मतलब होता है हर रोज, जो काम हर रोज होता हो, प्रतिदिन होता हो। जैसे प्रतिदिन लोग जागते हैं तो रोजाना लोग जागते हैं, प्रतिदिन लोग नहाते हैं इसका मतलब रोजाना लोग नहाते हैं, प्रतिदिन लोग मंदिर जाते हैं इसका मतलब रोजाना लोग मंदिर जाते हैं। सोच, सोच का मतलब होता है मल त्याग। मल त्याग यानी कि सुबह सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं उसको बोलते हैं हम सोच करना, यानी कि मल त्याग करना, या लेटरिन करने जाते हैं उसको हम बोलते हैं सोच। फिर है मैल। मैल मतलब होता है गंदगी। जैसे हम बोलते हैं कि शरीर में मैल जम गया है, इसका मतलब शरीर में गंदगी बढ़ गई है, तो हमें मैल साफ करना होता है। जैसे कपड़ों में मैल जम जाता है, यानी कपड़ों में गंदगी बढ़ जाती है, तो उसको साफ करने का करना होता है। तो मैल का दूसरा अर्थ क्या होता है, गंदगी। अब है पाठ का नाम स्वस्थ तन। अगर पानी तो माना जाएगा। स्वस्थ तन, स्वस्थ मतलब कि जिस शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, उस शरीर को बोलते हैं स्वस्थ। तन मानी शरीर, स्वस्थ तन ऐसा शरीर जिसमें कोई बीमारी नहीं हो, उसे हम बोलेंगे सुखी जीवन। अगर हमारे शरीर में बीमारी नहीं रहेगी तो हम उसको बोलेंगे हमारा शरीर सुखी जीवन जी रहा है। जैसे प्रश्न है, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी गोली दी जाती है। एक गोली दी जाती है आयरन, आयरन की गोली दी जाती है। एक गोली दी जाती है कैल्शियम की गोली दी जाती है। एक गोली दी जाती है डी वार्मिंग की गोली दी जाती है। तो इस प्रकार की गोलियां हमारे विद्यालय में दी जाती हैं, आयरन, डी वार्मिंग और कैल्शियम की गोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तब बाहर तक क्यों और कब आ गई। यानी दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर आ जाती हैं, कब आई और क्यों आई। तो यहाँ पर दादाजी खुशी और अनु को गंदे हाथ पैर देख करके, यानी खुशी और अनु के यहाँ पर हाथ पैर गंदे हो रखे थे, उन गंदे हाथ पैरों को देख करके दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें, उक्त पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात है। अच्छी बात है सफाई, यानी कि गंदगी रखना बुरी बात है, गंदगी हमें नहीं रखनी चाहिए। अच्छी बात है सफाई, यानी कि साफ सफाई रखना एक अच्छी बात है। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। अगर हम गंदगी रखेंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर बीमारियां आएंगी, अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो हमारे यहाँ पर बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि गंदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत पाई या तब अच्छी तबीयत हो जाए। अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो हमारी तबीयत अच्छी रहती है। इसके लिए हमें साफ स्वच्छ रहना चाहिए, हमें वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी यहाँ पर साफ सुथरे पहनने चाहिए, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। वातावरण को साफ शाम के समय दादाजी कहाँ पर बैठे थे। तो दाम शाम के समय यहाँ पर दादाजी। नेक्स्ट देख, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, यह बात किसने और किसको कही। तो ये बात किसने और किसको कही थी, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें खेलों से। तो ये बात सुषमा ने कही थी, किससे कही थी, तोसी बिट्टू और हनी से कही थी। तोसी बिट्टू एक लड़के का नाम है और हनी एक लड़की का नाम है। इन दोनों से यहाँ पर सुषमा ने कही थी कि तुम्हें क्या मिल जाएगा खेलने से। किराएदार के बच्चों का क्या नाम था। किराएदार के बच्चों का नाम था, एक का नाम था खुशी और दूसरे का नाम था अनु। दादाजी बच्चों को बताते हैं कि यदि हमारी तबीयत ठीक न हो, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। न हमें भूख लगती है, न ही हमें नींद आती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उदासी हमें घेर लेती है, उबासियाँ हमें आने लगती है,
दादाजी आगे कहते हैं कि काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें, हमें अपना शरीर है साफ सुथरा रखना चाहिए, और हमें यह मालूम है कि काम करके और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, और पसीने में धूल के कण जाने से मैल की परत हमारे शरीर पर जम जाती है, इसलिए इससे त्वचा के छिद्र हैं बंद हो जाते हैं, और बाद में जब हम काम करते हैं तो पसीना हमारा बाहर नहीं आता है, इसलिए हमें शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि हमारा पसीना बाहर आ सके। उदासी, उदासी का मतलब होता है दुख। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उदास है। त्वचा, त्वचा का मतलब होता है खाल, जो हमारे शरीर की चर्बी होती है, चमड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। पसीना क्या होता है, शरीर से निकलने वाला पानी, जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो शरीर से जो पानी निकलता है वह पसीना कहलाता है, यानी शरीर से निकलने वाला पानी। और छिद्र होता है छेद, जो शरीर में बालों के अंदर जहाँ बाल होते हैं वहां पर शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो पसीना है, बाल जहाँ पर उगते हैं उन्हीं छेदों से हमारे शरीर के अंदर का पसीना जब हम काम करते हैं तो बाहर आता है। हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, और यहाँ पर दादाजी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर हमें फर्श और दीवारों पर जमी हुई धूल को साफ करना चाहिए, धूल हमें दीवारों पर नहीं जमने देना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है और कीटाणुओं से बीमारियां बढ़ जाती हैं। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहां भी कीटाणु पल सकते हैं, तो दादाजी यहाँ पर कहते हैं कि खुली धूप और ताजी शुद्धि हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खुली धूप में हमें जाना जरूरी है, हमें ताजी और शुद्ध हवा लेना चाहिए, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। कारकों के भेद क्या क्या हैं, नाम बताइए। तो कारकों के कौन कौन से भेद हैं, कारकों के भेद हैं यहाँ पर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की रारे डी, संबोधन हे अरे वो अधिकरण में पर। यानी अगर हमें कारक याद करने हैं तो हम कारक कैसे याद करेंगे, जैसे राम ने, यानी राम कर्ता कारक है, राम ने रावण को, तो ने यहाँ पर कर्ता कारक है, राम ने रावण को, तो ये कर्म कारक है रावण को, राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और संबंध का के की और अधिकरण है मे पर, और संबोधन है हे अरे वो, संबोधन हे अरे वो। तो कारक कैसे से पहचानेंगे हम, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। जैसे कर्ता कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि काम करने वाला कौन है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। जैसे माता जी ने घंटी बजाई, तो ने आ रहा है यहाँ पर, माता जी ने चिन्ह है जो कर्ता कारक को बता रहा है, तो माता जी ने घंटी बजाई, तो क्रिया क्या है यहाँ पर, बजाई, तो बजाई से हमें पता चल रहा है कि किसने घंटी बजाई, माता जी ने बजाई, तो माता यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है, और ने यहाँ पर चिन्ह है जिससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा कारक है, कर्ता कारक, और बजाना यहाँ पर क्रिया है। दूसरा देखें कर्म कारक, कर्म कारक क्या है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया का पूरा पूरा फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी ऐसा कोई काम जिसे करने से
उस पर असर पड़े, यानी जिस चीज पर असर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे छोटे ने बच्चों को रुलाया तो कर्म कारक में क्या आएगा, को आएगा, और कर्ता कारक में क्या आ रहा था, ने आ रहा था, ने, तो ने आएगा वहां कर्ता कारक, को आएगा वहां कर्म कारक। जैसे छोटे ने बच्चों को, तो को से पहले जो आ रहा है वो आ रहा है कर्म, तो ये कर्म हो जाएगा, चिन्ह को हो गया, और रुलाया मतलब क्रिया हो गई। तो रुलाने से पता चल रहा है कि बच्चों को किसको रुलाया, बच्चों को रुलाया, तो ये कर्म कारक है। कारक किसे कहते हैं? कारक क्या होता है, किसी भी वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। यानी ऐसा कोई शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ में क्रिया का संबंध बताता हो वह कारक कहलाता है। कारक को हम क्या कहते हैं, कारक को हम विभक्ति या फिर परसर्ग भी कह सकते हैं। तो कारक को क्या कहेंगे, विभक्ति और परसर्ग। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, जो हमने देखे थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस तरीके से कारक के कितने भेद होते हैं, टोटल 8 वेद होते हैं। वचन, वचन क्या होते हैं, संख्या का परिचय कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन जैसे एक संख्या का परिचय कराने वाले को एक वचन कहते हैं, और एक से ज्यादा संख्या का परिचय कराने वाले को बहुवचन कहते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर एक संख्या क्या है, जैसे बालक, बालक क्या है, एक है, हमें पता चल रहा है कि बालक एक ही है यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, बालक एक वचन है, क्या है, एक वचन। अगर हम बोलें महिलाएं, तो महिलाएं हो सकती हैं, तो ये क्या होगा, बहुवचन होगा, क्या होगा, बहुवचन। जैसे शिक्षक, शिक्षक क्या है, एक वचन है, और अगर शब्द आ जाए इस तरीके से शिक्षिकाएं, शिक्षिकाएं, तो ये क्या होगा, बहुवचन होगा। तो वचन क्या होता है, संख्या का परिचय कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। भाषा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों का दूसरों से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। ऐसा साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात दूसरे को समझा सके, ऐसा साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात को दूसरों को समझा सके, उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। इससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा कितने रूपों में होती है, भाषा यहाँ पर 2 रूपों में होती है, एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं वो मौखिक भाषा में आती है, लिखित भाषा जो हम लिखते हैं वो लिखित भाषा में आती है। कारक में देखें, करण कारक, करण कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले साधन का ज्ञान होता है, यानी जिससे हमें ये पता चलता है कि काम किसके द्वारा किया गया है, वो कहलाएगा हमारा करण कारक। तो जैसे अध्यापिका चौक से श्याम पट्ट पर लिखती है, तो किससे लिखती है, चौक से, तो चौक से हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि ये करण कारक है, क्योंकि यहाँ पर करण कारक की पहचान क्या है, से आएगा, से पहले करण कारक होगा। जैसे कि चौक से, तो से पहले चौक आ रहा है, तो चौक क्या है यहाँ पर, करण कारक है। अध्यापिका क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक है, और लिखती है यहाँ पर क्या है, क्रिया है, और से यहाँ पर चिन्ह है जिसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये करण कारक है। दूसरा कारक आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके लिए काम किया जाए उसे बताने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जो काम हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ये शब्द जो बताता है वो कहलाता है हमारा संप्रदान कारक। जैसे कि डॉक्टर मरीज को देखता है, तो ये को शब्द है यहाँ पर, ये बता रहा है कि डॉक्टर किसको देखता है, मरीज को देखता है, तो को से पहले जो मरीज आ रहा है ये आएगा हमारा संप्रदान कारक। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने का ज्ञान होता है, यानी कोई ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज है वो एक चीज से दूसरी चीज अलग हो रही है, यानी कि अलग अलग हो रही है, हट रही है, उसे हम कहेंगे अपादान कारक।
अपादान कारक जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता, तो गिरना यहाँ पर क्रिया होगी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्रिया, और से यहाँ पर हो गया चिन्ह जिससे हमें पता चल रहा है कि ये अपादान कारक है। तो यहाँ पर अपादान की पहचान क्या आएगी, से आएगा अपादान में, और संप्रदान की पहचान क्या आएगी, संप्रदान में को आएगा, लेकिन किस तरह, कोई हमारा आता है कर्म कारक में, लेकिन संप्रदान में जो को आएगा वो ये बताएगा कि काम किसके लिए किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर मरीज को देखता है तो मरीज के लिए काम किया जा रहा है, तो वो कहलाएगा संप्रदान कारक। पौष्टिक, पौष्टिक का मतलब होता है पुष्टता, जो हमें पोषण देता हो। जैसे हम अगर पौष्टिक खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे जिसमें सारे विटामिन हो जो हमारे शरीर को जरूरत है, वो सारी चीजें अगर हम इसके खाने में मिल जाती है तो उसे हम कहेंगे पौष्टिक खाना, यानी पुष्टता देने वाला। भिन भिनाना, भिन भिनाने का मतलब होता है भिन भिनाट की आवाज करते हुए मंडराना, जैसे कि मच्छर भिन भिनाते हैं तो भिन भिनाट की आवाज आती है, उसे कहते हैं हम भिन भिनाना। उपयोग, उपयोग का मतलब होता है प्रयोग, यानी किस तरीके से उसको काम में ले रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा उपयोग। समझदारी, समझदारी मतलब अक्लमंदी, यानी किस तरीके से हम अकल दिखा रहे हैं किसी काम को करने में, वो कहलाएगा हमारा समझदारी। फिर है तरोताजा, तरोताजा होता है ताजगी युक्त, जैसे हम सुबह सुबह जागते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं, यानी ताजगी हम महसूस करते हैं। अम्ल करना, अम्ल करना मतलब पालन करना। अगर आपको कोई आदेश दिया जाता है उस पर आप अम्ल कर। गुरुजी, गुरुजी का मतलब होता है अध्यापक, जो आपको पढ़ाते हैं वो कहलाते हैं गुरुजी, अध्यापक। अशुद्ध, अशुद्ध होता है गंदा, जैसे कोई चीज अशुद्ध हो गई है उसे हम कहेंगे कोई चीज गंदा हो गई है। विटामिन, विटामिन होता है पोषक तत्व जो हमें पोषण प्रोवाइड करवाते हैं, पोषण देते हैं। रोजाना, रोजाना होता है प्रतिदिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोजाना को हम बोल सकते हैं हर रोज, हर रोज, प्रतिदिन भी हम बोल सकते हैं। भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए, है उसमें पोषण तत्व होने चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हो उन्हें हमें कभी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही समझदारी से करना चाहिए। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है, ऐसे फल हमें नहीं खाने चाहिए जो पहले से काट कर रखे गए हों। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर होती हैं, डी वर्मिंग की गोलियां लेने से हमारी पेट की बीमारियां दूर होती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। भाषा, लिपि और व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण में जैसे बोली किसे कहते हैं, कोई भी भाषा जब तक केवल बोलचाल के रूप में प्रयोग की जाती है उसे हम बोली कहते हैं। ऐसी भाषा जो सिर्फ हम बोलने के लिए काम में लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बोली कहेंगे। जैसे कि अमेरिका भाषा अंग्रेजी भाषा, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, और जापान में जापानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। फिर है लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि जैसे कि अंग्रेजी लिपि है, अंग्रे भाषा है हमारी अंग्रेजी, लेकिन लिपि कौन सी है अंग्रेजी में, रोमन लिपि है। पंजाबी, पंजाबी भाषा है लेकिन इसमें लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। संस्कृत भाषा है लेकिन संस्कृत में कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा है लेकिन हिंदी में कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी भाषा कितनी शुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे, व्याकरण, यानी जिसके द्वारा हम ये पता लगा सके कि कोई भी भाषा कितना शुद्ध रूप से लिखी गई है उसे हम कहेंगे व्याकरण। जैसे पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं, ये किससे सीखते हैं, हम व्याकरण से सीखते हैं। या सर्वनाम, संबंध कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध होने का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मामा जी का घर है,
तो इस का शब्द से पता चल रहा है कि ये किसका घर है, मामा जी का। तो घर से किसका संबंध है, मामा जी का। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा, जिससे हमें संबंध का पता चलता है। एक होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, क्रिया के आधार को प्रकट करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं, यानी जो क्रिया के आधार को प्रकट करता है उसे हम कहेंगे अधिकरण कारक। जैसे कि हिरण जंगल में रहता है, तो ये आधार क्या बता रहा है, मैं शब्द बता रहा है कि वो जंगल में रहता है। तो आधार यहाँ पर जंगल है और चिन्ह यहाँ पर मैं है, तो हिरण जंगल में रहता है, कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, यानी कि इसमें मैं शब्द आएगा अधिकरण कारक में। संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है, शब्द के जूस रूप से किसी को बुलाने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी को बुलाने का ज्ञान होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरी लता तुम क्या करने जा रही हो, तो अरी लता, अरी शब्द आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि किसी को बुलाया जा रहा है, तो ये संबोधन कारक को बताएगा। चूला। चूला क्या है, एक वचन। अगर इसका बहुवचन लिखना है तो क्या लिखेंगे, चूल्हे का बहुवचन लिखना कढ़ाई का बहुवचन होगा, कढ़ाइयां, कढ़ाइयां, कढ़ाइयां। और परात, परात का बहुवचन होगा, परातें। और चमचा, चम्मच, चमचा का बहुवचन होगा, चमचे। जैसे यहाँ पर खाली स्थान भरना है, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षक एक वचन है, ये नहीं आएगा, शिक्षकगण एक वचन है, ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा, अध्यापिकाएं, कक्षा में अध्यापिकाएं पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें, के मारे बुरा हाल है, तो गर्मी के मारे बुरा हाल है, गर्मियों के मारे बुरा हाल है, तो गर्मियां आएगा यहाँ पर, गर्मियों के मारे बुरा हाल है। राजा जनक के चार पुत्र थे, तो पुत्र थे आएगा यहाँ पर, थी नहीं आएगा, थे आएगा। या राजा जनक के पुत्री थी, तो जैसे कितने, चार पुत्री थी, तो पुत्री आएगा, थी क्या है, महिला है, तो महिला के लिए क्या आएगा, पुत्री आएगा। अगर थे होता यहाँ पर तो क्या आता, पुत्र आता। तो राजा जनक के चार पुत्रियां थी, तो चार एक वचन है, चार बहुवचन है, तो चार बहुवचन, इसलिए पुत्री नहीं आएगा, पुत्री भी गलत है, यहाँ पर पुत्री आएंगी, राजा जनक के चार पुत्रियां थी, तो ये दोनों गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, पुत्री आएगा, राजा जनक के चार पुत्रियां थी। और बाजार में क्या बिक रही हैं, रजाई नहीं आएगा, कोट नहीं आएगा, सिंहासन नहीं आएगा, क्या आएगा, रजाइयां, बाजार में रजाइयां बिक रही थी, या बाजार में रजाइयां बिक रही हैं। सुखी जीवन। स्वस्थ तन सुखी जीवन में हम देखते हैं कि दादाजी चौक में मुड्डी पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने इसके बीच में जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो, दो काम की बातें सीखो। तो यहाँ पर तोसी, बिट्टू और हनी तीनों चलो बाहर, यानी कि तीनों से कहा था सुषमा ने, किससे, तोसी से कहा था, बिट्टू से कहा था और हनी से कहा था। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बातें पते की हैं, कल भी तो कहानियां कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोसी ने कहा। और फिर उनके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास जाकर बैठ जाते हैं। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी आकर पास में बैठ गए। तो किराएदार के दो बच्चे कौन कौन से थे, खुशी और अनु। उनके हाथ साफ नहीं थे और पांव भी गंदे थे। उनको देखकर दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन आई।